सब्सक्राइब करें सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स चैनल को और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप भी कुछ नया सीख सकें। नमस्कार दोस्तों, सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स से मैं श्रवण सिंह राठौड़ एक और नए वीडियो के साथ आपके सामने। आइए देखते हैं दशमिक संख्या और द्विआधारी संख्या के बारे में आपको इसमें बताऊंगा, तो आइए इसे देखते हैं। दशमिक संख्या, दशमिक संख्या में 10 अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होते हैं। इसे 10 आधारी संख्या या हिंदू अरेबिक संख्या भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब है द्विआधारी संख्या। द्विआधारी संख्या में 2 अंक 0, 1 होते हैं, इसे 2 आधारी संख्या भी कहते हैं। अब है 10 आधारी संख्या को 2 आधारी संख्या में बदलना, तो आइए इसे देखते हैं। इसके अंदर ये पहला क्वेश्चन है, जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पर 17 और 17 10 आधारी संख्या, इसे हम 2 आधारी में बदलेंगे। तो इसके लिए आपको बार बार 2 का भाग देना और शेष पर से यह संख्या द्वि आधारी संख्या प्राप्त हो जाएगी। 2 का भाग दिया इसमें 8 बार, शेष कितना बच गया 1। ठीक है, 8 में फिर से दिया 2 का 4 बार और शेष 0। 2 का दिया 4 में 2 बार, शेष 0। 2 में 2 का 1 बार और शेष 0। अब यहाँ पर हम 2 का भाग देंगे, 0 बार गया, शेष कितना बच गया 1। इसमें शेष पल से वो द्वि आधारी संख्या बनेगी, अतः है 17 बराबर, ब्रैकेट शुरू करना है इस प्रकार, आप ब्रैकेट लगाकर सबसे पहले 1 लिख दिया, उसके बाद में 3 0 है 0 0 0, फिर से 1 1 लगा दिया, ब्रैकेट बंद, द्वि आधारी, इसलिए बाहर 2 लगा दिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, तो दूसरे में हम कर रहे हैं यहाँ पर 46 यानी कि 46 का, बार बार इसमें 2 का ही भाग देना है। 46 में हमने 2 का भाग दिया तो 23, शेष बच गया 0। 23 में 2 का 11 बार, 22 तक और शेष कितना बच जाएगा 1। फिर से 2 का 5 बार और शेष कितना 1। फिर से 2 का 2 बार और शेष कितना 1। 2 में 2 का 1 बार और शेष बच गया 0। अब दोस्तों आगे देखिए, अब यहाँ पर 1 है लेकिन हम इसमें 2 का भाग देंगे, नहीं जा रहा इसके मूल, 0 बार जा रहा है, शेष कितना बच गया 1, इसलिए 46 बराबर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट शुरू 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 और ये बार 2 लगा। दोस्तों हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।